नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, उसके बाद लगातार बयानबाजी की जा रही है। कहीं पर कई सारे पार्टी के नेता इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब कांग्रेस द्वारा लगातार इस पूरे मामले को ड्रामा और षड्यंत्र बचाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार ये बातें कही जा रही है कि ये सारी चीजें जो है ये रची गई है और इस पर पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजनीति करते नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनका बयान निकलकर सामने आया है, जिस बयान ने अब कांग्रेस में खलबली मचा दी है और जो वहां के पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी भी अब खतरे में नजर आ रही है। क्योंकि हर जगह आपको बता दें अलग अलग राज्यों में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने जगह के राज्यपालों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें वो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। और इस मांग में आपको बता दें कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, अब उनका भी समर्थन देखने को मिल रहा है। वो भी कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया, जिस तरीके से रोड़े अटकाए गए, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने, साथ ही साथ पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो अपील है उसे की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये मामला देखने को मिला, ये काफी ज्यादा गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पंजाब सरकार देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करने में फेल रही है। उन्होंने कहा है कि जो चन्नी वाली सरकार है, चन्नी नेतृत्व वाली पंजाब सरकार, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन के तहत वहां चुनाव होने चाहिए। और जो है उन्होंने कहा है कि सुरक्षा में चूक के सबूत के तौर पर पेश करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असमर्थ साबित हुई है। खट्टर ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज और साथ ही साथ प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ फिरोजपुर घटना को लेकर हरियाणा के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि खट्टर ने संवाददाताओं को बताया है कि किस तरीके से उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वहां पर पंजाब की जो सरकार है वो पूरे तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन करने में फेल साबित हुई है और ऐसे में वहां चुनाव तो होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले वहां की जो चन्नी वाली सरकार है उससे पहले बर्खास्त करना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने अपील की है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे और पंजाब सरकार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाए। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो बड़ी चूक देखने के लिए मिली है, ऐसे में वहां पर इसको लेकर कार्रवाई भी करना काफी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा है कि मैंने राष्ट्रपति से अपील की है कि जो है इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने भी इस सुरक्षा चूक में जो है जिनका भी योगदान रहा है उन सभी पर सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव तो होने चाहिए, लेकिन इसमें जो है राष्ट्रपति शासन के तहत इसे करना चाहिए। खट्टर ने कहा कि आगामी चुनाव में विभिन्न दलों के नेता चुनाव प्रचार करेंगे और प्रधानमंत्री फिर से राज्य में आएंगे और ये लगता है कि पंजाब की जो मौजूदा सरकार है वो कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी विफल हो चुकी है और ऐसे में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री वहां का दौरा कर सकते हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों का दौरा कर सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पंजाब में नई परियोजना को लेकर वो गए थे, परियोजना की सौगात वो पंजाब के जो लोग हैं उन्हें देने वाले थे, लेकिन उन्हें रैली को संबोधित ही नहीं करने दिया गया। उनकी जो गाड़ी है वो फ्लाईओवर के ऊपर जो फिरोजपुर जा रही थी, फ्लाईओवर के ऊपर 15 से 20 मिनट तक वहां पर अटकी हुई थी, वो भी महज 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे जहां पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। ऐसे में सुरक्षा के हिसाब से उसे काफी असुरक्षित जगह बताया जाता है और इस तरीके की बड़ी चूक को लेकर लगातार पंजाब कांग्रेस अपने बयानों की वजह से भी घिरती नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, पंजाब में आपको बता दें प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया है, ऐसे में साफ तौर पर जो पंजाब की कांग्रेस है वो अपनी नाकामयाबी को अपनी गलती मानने के बजाय इस पूरे मामले को एक राजनीतिक एंगल देती नजर आ रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो मामला है वो राजनीति से परे है। राजनीति और पार्टी अपने जगह पे चुनाव के वक्त इस तरीके की एक गंभीर मामला जहां पे एक प्रधानमंत्री का एक जो है फ्लाईओवर में 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर कहीं ना कहीं कई सारे सिक्योरिटी लैप्स के जो मामला उसे जन्म देता नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद लगातार कांग्रेस की तरफ से इसे राजनीति एंगल देने की कोशिश की जा रही है और इसे एक विवादास्पद मामला बना दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि जो राज्यपाल को जो मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्यपाल को जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा है उसमें उल्लेखनीय किया गया
गया है कि कैसे फिरोजपुर में विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ कांग्रेसी गुंडों द्वारा प्रधानमंत्री के काफिले को कई मिनट तक रोका गया है। खट्टर ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिस तरह से राज्य में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बाधाएं पैदा की गई वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है, और ऐसे में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के काफिला 15 से 20 मिनट तक वहां रुका हुआ था, ऐसे में यह कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की नाकामयाबी को पूरी तरह से दर्शाता नजर आता है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, अल्टरनेटिव मार्ग की व्यवस्था करना उनका कार्य था, इसके बावजूद अल्टरनेटिव मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई। राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी लेकिन प्रदर्शनकारी द्वारा सड़क भी अवरुद्ध कर दी गई। यह कहना कि प्रशासन को इसके बारे में नहीं पता था विश्वास करना मुश्किल है, जबकि लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस वैन द्वारा ही प्रदर्शनकारियों को लाया गया और वहां रास्ते में उन्हें बैठाया गया ताकि वो प्रदर्शन कर सके, और ऐसे में यह कहना कि सरकार को या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां पर प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद है, वो सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सरकार को यह नहीं पता कि उनके राज्य में हो क्या रहा है। आखिर सरकार को जब यह पता था कि प्रधानमंत्री दौरे पर आने वाले हैं, प्रधानमंत्री जो है रैली को संबोधित करने वाले हैं, ऐसे में अल्टरनेटिव रास्ता क्यों नहीं दिया गया, और जो रास्ता दिया गया था वहां पर प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं हटाया गया, डीजीपी द्वारा किस तरीके से गलत तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए कि रास्ता साफ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना में साजिश की बू आती है। खट्टर ने कहा कि उन्होंने सुना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया था। इससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने पूरे इस मामले में जब उनको यह पता चला कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ऐसी बड़ी चूक देखने के लिए मिली है, तो वो माता मनसा देवी मंदिर में जो है पंचकुला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना लेकर पूजा अर्चना और महामृत्युंजय यज्ञ करते भी नजर आए थे। खट्टर ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो बहुत ही गंभीर घटना थी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप देख सकते हैं लगातार कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले पर पंजाब की जो कांग्रेस है उनका जो है इसमें पूरी मुश्किलें जो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लगातार पंजाब सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिर जहां पर इसे साजिश के तहत बताया जा रहा है किस तरीके से साजिश रची गई ताकि रैली में जनसभा को संबोधित ना किया जा सके, ताकि पंजाब के लोगों को परियोजना जो है एक सौगात जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले थे उस सौगात से उन्हें जो है दूर रखा जा सके, ताकि वहां पर उन्हें भी समझ आ गया कि सत्ता में उनकी पार्टी है। लेकिन जिस तरीके से हवाओं का रुख बदल रहा है, जिस तरीके से वहां पर बारिश होते हुए भी मौसम खराब होने के बावजूद लोग देश के प्रधानमंत्री को देखने आए थे, वो चीख चीख कर बयां करता है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री के लिए पंजाब के लोगों के दिल में भी कितना ज्यादा प्रेम है, और इसी प्रेम से वो डर गए, इसी समर्थन से उन्हें डर लग गया, और यही कारण है कि उनकी रैली को रोकने के लिए इस तरीके से एक बड़ी साजिश की रचना की गई। आपको बता दें कि लगातार ये साजिश की जो बात निकलकर सामने आ रही है, लगातार वहां के मुख्यमंत्री जो है वहां के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात जो आ रही है, गृह मंत्री के इस्तीफे की जो मांग हो रही है, लगातार ये लोग कह रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से बड़ी चूक को लेकर अब ये बयानबाजी करते कैसे नजर आ सकते हैं इस पूरे मामले पर, तो इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब इसमें आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर जो है उनका भी यही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी यही मानना है कि इस तरीके से एक बड़ी चूक के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। बड़ी चूक ये दर्शाती है कि किस तरीके से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पर किसी भी तरीके का सरकार का कंट्रोल नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर यह पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास इस पूरे मामले में पूरी तरीके से अथॉरिटी होती है कि किसी भी राज्य में अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अगर सुव्यवस्थित नहीं है, तो वहां पर वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और यही मामला अब पंजाब सरकार के पंजाब जो है वहां देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर लोग लगातार अब जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, जहां पर सिर पर चुनाव है। इस तरीके से एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है जो अब विवादों से घिर चुका है, लगातार इस पर बयानबाजी की जा रही है, लगातार इसे कहा जा रहा है कि ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और इस पूरे मामले पर जो है संज्ञान लेना चाहिए, इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति को कड़े कदम जो है उसे उठाना चाहिए, ताकि इस तरीके की वापस से जो घटना है दोहराई ना जाए, और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को गंभीरता से लेने के लिए हर राज्य बाध्य है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाए, वहां की सुरक्षा का जो पूरा भार है उस राज्य का होता है, और ऐसे में राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि वहां के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई भी चूक ना की जाए, जिसमें पंजाब सरकार
पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने ज्ञापन सौंप दिया है राष्ट्रपति से, यहाँ पर पंजाब सरकार को बर्खास्त करने और साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कही है, ऐसे में कांग्रेस में बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है और साथ ही हड़कंप भी मचा हुआ है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगता है या नहीं, ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।